लखनऊ के विकास नगर एरिया में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और ये गड्ढा इस सड़क पे हुआ है जो मेन सड़क है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। चूंकि जिस तरीके से ये बारिश हो रही थी उसी के बाद ये गड्ढा हुआ है और उस दौरान एक कार थी वो इसमें आधी लटक गई, जिसके बाद उसको पुलिस के द्वारा रेस्क्यूट किया गया और PWD यानी पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म किया गया। अब जो मौके पर जो वर्क है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर ये विकास नगर का मुख्य एरिया है जहाँ से ये रोड जाती है, वहाँ पर ये गड्ढा हुआ है, जिसके बाद जो पुलिस है वो मौके पर पहुँचती है और इस पूरे एरिया को बैरिकेड्स कर देती है। आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं वो मेन विकास नगर का जो एरिया है उस एरिए की हैं और यहाँ पर रेजिडेंशियल्स में लोग रहते हैं और अक्सर इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन ये जो इसकी जो अगर हम गहराई की बात करें तकरीबन 20 फीट ये गहरा है जो अंदर तक हो जा चुका है और ऐसे में जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है और अलग अलग जो टीमें हैं वो इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर ये हुआ कैसे है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस पूरे मामले को लेकर अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है और अन्य जो एजेंसीज हैं इसमें जाँच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। हल्की सी बारिश चूँकि लखनऊ में हो रही थी उसकी वजह से ये माना जा रहा है हुआ है, बट ये गड्ढा जिस तरीके से हुआ और एक कार जब इसमें फंस गई और ऐसे में कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी सामने है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव आज तक।